अंबाला में दो दिन से सिंचाई विभाग के फील्ड कर्मचारी धरने पर हैं। उन्होंने कांवला माइनर की वाटर सप्लाई भी बंद कर दी है। इस माइनर से आर्मी एरिया और हुड्डा सेक्टर्स में पानी सप्लाई होती है। आपको बता दें कि ये कर्मचारी ऑल हरियाणा सिंचाई फील्ड कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कामकाज छोड़कर धरने पर बैठे हैं। दरअसल 17 मार्च को पंप ऑपरेटर पर नशे की हालत में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट इन कर्मचारियों ने काम छोड़ धरना शुरू किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। कर्मचारियों ने यह भी चेतावनी दे दी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। ये सिंचाई विभाग की आल हरियाणा फील्ड कर्मचारी यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 619 है, जिसका मुख्यालय चरखी दादरी है। इस यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट मैं सुखविंदर सिंह ज्योति सर से, इसमें अंबाला के अंदर हम एजिटेशन पे बैठे हुए हैं। इस एजिटेशन का एक मुख्य कारण ये बना कि 17 तारीख को जो 17 तारीख गई उस डेट को हमारी एक कांवला डिस्ट्रीब्यूटरी है, नहर जिसको बोलते हैं, वो पानी की सप्लाई इसको आर्मी को और हुड्डा सप्लाई को पूरे को इसको अंबाले को इरीगेशन डिपार्टमेंट को सप्लाई देती है, क्योंकि वो नहर में अप सिस्टम है ऊपर, इसलिए उसमें 5 पंपिज लगाए हुए हैं जो अलग अलग स्टेप पे पानी को उठा के आगे देते हैं। तो सीरियस नॉर्मली बात है कि उन पंचों पे हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी होगी डे और नाइट में। तो 4 नंबर पंप के ऊपर हमारे 2 कर्मचारी रात के समय ड्यूटी दे रहे थे, शिफ्ट चेंज हुई थी 5 बजे। जब वो 5 बजे ड्यूटी पे आए तो कुछ लड़के, 2-3 लड़के उनके पास आए। वहाँ पे हमने अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर बाउंड्री वाल बनी और 2 गेट बने उनके ऊपर। आपको बता दें कि 4 नंबर पंप पर तैनात कर्मचारी पर 17 मार्च को हमला हुआ था। इसके 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से कर्मचारियों ने आज ये रोष प्रदर्शन किया। देखना होगा कि क्या पुलिस अब इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई करती है या फिर अंबाला को पानी की समस्या से जूझने को मजबूर होना पड़ेगा। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।